विदेशों में भारत का डंका या अडानी अंबानी का धंधा। अब धीरे धीरे सारे राज खुल रहे हैं कि देश के करदाताओं की कमाई के खर्चे पर मोई जी अपने मालिकों अंबानी अडानी के डंके बजवाने विदेश जाया करते थे। अब सब शीशे की तरह साफ हो रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसके मालिकों का विरोध हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका तो सिर्फ झांकी है। अफसोस की बात है, अंधभक्तों को लगता था कि देश का डंका बजाने जा रहे हैं। इसके झूठों पर ताली बजाते बजाते अंधभक्तों के हाथ टूट गए। महा अंधभक्तों के तो घर के भांडे भी फुड़वा दिए साहब ने। पता नहीं चाणक्य ने कही है या किसी और ने, पर फेसबुक पर एक बात बिल्कुल सही पड़ी है कि अगर जनता मूर्ख हो तो राजा अपनी असफलताओं पर भी तालियां बजवा लेता है। और भारत तो महामूर्खों की नगरी है। मूर्ख तो यहाँ विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, वही अंधों में काना राजा। अंबानी अडानी की डील करवाने के लिए देश के सरकारी खजाने को भी जी भर के लुटाया गया। जहाँ जहाँ गया अरबों में सरकारी रुपए दान करके आया। अंबानी अडानी डील करवाने के लिए जबरदस्त तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया। दूसरे देशों की सरकारों पर भयंकर सरकारी दबाव बनाया गया। क्या छवि रही होगी भारत की और भारत सरकार की, जब एक पीएम अंबानी अडानी का एजेंट बनकर डील करवाने गया होगा। वो तो भला हो इस कोरोना का जो दूसरे देशों ने एहतियातन बुलवाना बंद कर दिया, नहीं तो कोरोना भी इसे जाने से रोक नहीं पाता। अगर यही डंका देश की सरकारी संस्थाओं को बजवाया होता तो देश की सरकारी कंपनियों को बेचने की नौबत नहीं आती। प्राइवेट रोजगार के साथ साथ सरकारी रोजगार भी रहता, लोगों के रोजगार नहीं छिनते, जनता सड़कों पर आने को यूं मजबूर ना होती। अगर अंबानी अडानी का एजेंट बनके काले कृषि कानून ना बनाए होते तो देश का अन्नदाता यूं सड़कों पर ना मर रहा होता।